अपनी मनपसंद मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा फिल्मी को और बेल आइकन को दबाएं। मैं बहुत खुश हूं, इसलिए कि आज यहां से विदा होकर तुम लोग एक नई दुनिया में कदम रख रहे हो। तुम्हारे रास्तों में हो सकता है कुछ मुश्किलें आए, कुछ रुकावटें आए, लेकिन उनसे डरना नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े से बड़े तूफान का हिम्मत के साथ मुकाबला करना है। मेहनत, ईमानदारी और सच्ची लगन, यही कामयाबी की कुंजी है। इनमें से अगर एक का भी साथ आपने छोड़ा तो आपकी तरक्की की गाड़ी वहीं रुक जाएगी। मेरी दुआ है कि जो सपने तुमने देखे हैं, जो ख्वाब तुमने सजाए हैं, वो पूरे हों। यहां से निकलकर तुम लोग एक खूबसूरत जिंदगी में कदम रखो। तुम नौजवानों से ये देश एक अच्छा शहरी होने की उम्मीद रखता है और तुम्हारा चाल चलन आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल होना जरूरी है। Hi, baby. Stupid. हमारे सुनहरे भारत का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। कामयाबी के सारे दरवाजे तुम पर खुलने के लिए बेचैन हैं। आज तक यहाँ रहकर तुम लोगों ने जो कुछ भी सीखा है उसे हमेशा याद रखोगे और उस पर अमल करोगे, यही उम्मीद रखती हूँ मैं तुम लोगों से। धन्यवाद। Now we announce the gold medal to the best student of the year, Vicky Anand. I love you. मस्ताने दीवाने मस्ताने। मस्ती में चूर है ना
हर घड़ी बेखुदी हर घड़ी है नशा जिंदगी जीने की ये भी है एक कथा खुशियों से आबाद है आज से हम आजाद है गलियों में आने जाने वाले कहते हैं हमें दीवाने मस्ताने दीवाने मस्ताने हम कभी ना झुके झुक गया ये जहां हम कहीं ना रुके रुक गया ये जहां चल पड़े हम जवान लूटने मस्तियां रोक ले जो हमें कम है किसमें यहां समझो ना बेकार है हम यारों के यार है आने जाने वाले कहते हैं हमें दीवाने मस्ताने कैसी है तबीयत विक्की पहले से बेहतर
यहाँ दर्द होता है? जी हाँ। नर्स टेक रेस्ट। नर्स यस डॉक्टर टेक हिज ब्लड एग्जामिनेशन सीटी स्कैन बोन स्कैन न्यूक्लियर एंड बोन मैरो टेस्ट ओके ओके डॉक्टर के बाद जब मैंने उसके एक्सरे देखे तो मुझे उसी वक्त शक हो गया। ये ब्लड एग्जामिनेशंस, सीटी स्कैन बोन स्कैन न्यूक्लियर बोन मैरो टेस्ट और दूसरे तमाम टेस्ट निकालने के बाद हमें यह पता चला कि उसे कैंसर इन बोन मैरो है। स्टेज पे ये बीमारी सर एडवांस यकीन नहीं आता नर्स कि वो अब तक जिंदा कैसे है। कितने दिनों तक उसका जिस्म इस बीमारी को सहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी भी वक्त किसी भी लम्हे उसकी जान जा सकती है। Thank you.
की औलाद की खुशी, भगवान ने मेरा बच्चा, विकी, विकी क्या बात है बेटा, रात को सोए नहीं क्या? तुम्हें तबीयत तो ठीक है बेटे, डॉक्टर को बुलाऊं? पापा मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बैठे तो सही, बैठे ना पापा। एक बात पूछूं आपसे, क्या आप मेरे बगैर रह सकते हैं? देखो पापा, मैं आपके और मामा के बगैर नहीं रह सकता, मगर फिर भी मैं बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूं। विक्की, ऐसी क्या बात होगी बेटे? पापा गौर से जाकर अपनी शक्ल आईने में देखिए, मेरी मौत आपकी आंखों में साफ नजर आ रही है। नहीं नहीं पापा, मैं मम्मी को यूं दिन रात आंसू बहाते हुए और आपको इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता। आप दोनों की हालत मुझसे देखी नहीं जाती, बहुत तकलीफ होती है मुझे, ऐसा लगता है जैसे कि मैं मौत का इंतजार ही ना करूं और अभी मर जाऊं। नहीं विकी, मैं यहां से दूर चला जाना चाहता हूं, बहुत दूर, आपसे मामा से इस घर से सबसे बहुत दूर चला जाना चाहता हूं। जाता है। आदर्श सिद्ध मत करो, इसे जाने दो, इसे प्लीज जाने दो। ये कहीं नहीं जाएगा मुझे छोड़कर, और अगर जाएगा तो मुझे भी साथ लेकर जाएगा। जरा ये तो सोचिए, कौन इसका वहां ख्याल रखेगा, कौन इसे वक्त पर दवा देगा? आदर्श, इसने वायदा किया है ये वहां जाकर अपना बाकायदा इलाज करवाएगा, फिर ये अपनी सुनीता के घर तो जा रहा है, क्या वो इसका ख्याल नहीं रखेगी? मगर ये वहां किस हाल में होगा, कैसे होगा, यह हमें कैसे मालूम पड़ेगा, कैसे मालूम पड़ेगा? मां तो अपने उस बच्चे को भी दूर जाने देना नहीं चाहती जिसके वापस आने का विश्वास हो, और इसका तो नहीं नहीं, मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, नहीं होने। मामा, मामा, मेरी तरफ देखो, मैं जानता हूं मैं आपका इकलौता बेटा हूं, वो भी चंद दिनों का मेहमान। मम्मा, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन आप भी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं यहां रहा ना मम्मा, तो आप हर रोज इसी तरह खून के आंसू बहाती रहेंगी और मैं हर रोज मरता रहूंगा, क्या आप ऐसा चाहती हैं? हां विक्की। हां मम्मा, मैं अपनी तकलीफ तो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन आप लोगों के दुख नहीं देख सकता। मम्मा, कम और बेबसी की इस दुनिया से मैं दूर जाना चाहता हूं, मैं कुछ दिन अकेला जीना चाहता हूं, सिर्फ कुछ दिन। God bless you. Thank you.
की बच्ची को भूखा रखोगे पापा? वक्त पर आना चाहिए। वक्त पर ही तो आ रही थी, पर रास्ते में? रास्ते में क्या हुआ? दादी, वो जो तुम्हारी सहेली है ना लीला मौसी, आज सुबह वो बेचारी मर गई। मर गई? अरे क्या कह रही है? मैं झूठ नहीं बोलती दादी, सुबह सीढ़ी पर से पैर फिसला, सीधे नीचे आकर गिरी और खत्म। लेकिन लीला के घर में तो सीढ़ी ही नहीं है। उनके घर पर थोड़ी ना हुआ ये सब, उनकी बेटी राधा है ना, उसके घर पर हुआ था। हे राम, क्या हो गया? अरे कल सवेरे ही मुझसे मिलके गई, मेरी एक ही तो सच्ची सहेली थी, उसे भी भगवान ने छीन लिया। माँ माँ रो मत, ये शरारती लड़की जरूर झूठ बोल रही है। नहीं नहीं नैना, ऐसा झूठ नहीं बोलती। मां ले मौसी के घर होकर तो आओ तुम। अरे वहां जाओ। जानकी किधर हो? अरे लीला, लीला तू ठीक है ना? लीला मौसी नहीं मरी तो मैं क्या करूं?
डॉक्टर साहब। अरे भाई शिकारी कैसे हो तुम? बिल्कुल फिट डॉक्टर साहब, आपने जो दवा दी ना, मेरा पेट का दर्द, सर का दर्द, पैरों का दर्द सब गायब हो गया। अरे भाई लेकिन तुम तो तुम्हारी दवाइयाँ यहाँ अस्पताल में भूल कर चले गए थे। तो वो कौन सी दवा मैं पी रहा था डॉक्टर साहब? याद करो, शराब पीना छोड़ दो। क्या है डॉक्टर साहब, शराब तो अपने को चढ़ती नहीं है, ये मेरा रिकॉर्ड है और आज तक बज रहा है। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे खुश होऊंगा, आज तो विक्की बाबू आ रहे हैं। अरे विक्की बाबू आ रहे हैं, मेरे को जाना है। बाबू कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। शिकारी नहीं पहुंचा आपको लेने? नहीं तो। ब्लडी फूल रुक गया होगा किसी दारू के अड्डे पे। सुनो कमल जी, आसी कहाँ है? तो आ गया विक्की। आसी फोन आया था? हाँ आया था। क्या बताया उन्होंने? विक्की, ये क्या हो गया विक्की? ये क्या हो गया? मासी, मैं दुनिया वालों की नजरों में हमदर्दी लेकर नहीं जीना चाहता। खाओ कसम मासी, मासी वादा करो आप किसी से नहीं बताएंगी कि मुझे क्या हुआ है। मासी वादा करो। मैं कसम खाती हूँ मैं किसी से नहीं कहूंगी, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मैं कुछ नहीं बताऊंगी।
हूँ। ओ भागो! लड़का मेरा पीछा कर रहा है। हाँ दीदी, पीछा तो कर रहा है। मारू क्या साले को? नहीं नहीं यार, जाने दे। तुम लोग सब मेरे पीछे आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी। ए, कैसे किलो दिए ये? 8 रुपए किलो। 8 रुपए? दिमाग खराब हो गया है क्या? कौन खरीदेगा? 8 आने बोलो। देख तो क्या कर रहा है वो। दीदी साला बंदर बाल बना रहा है। अब देखना मुझे देखकर कैसे मुस्कुराएगा। बंदर का बच्चा। तुम सब लोग यहीं ठहरो, मैं इसे इसकी दादी याद दिला कर आती हूँ। ए, ए, ए हीरो, मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? फटाफट बोलो हाँ या नहीं। हाँ, नहीं, 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 नहीं? मगर तुम तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या बोल रही हो? सच्ची, मैं झूठ तो बोलती ही नहीं। ए, शाम को मुझसे मंदिर के पीछे जो खंडर है ना, वहाँ आकर मिलना, वहाँ से हम दोनों भाग जाएंगे। अच्छा अच्छा, जरूर आऊंगा। हाँ। पट गई रे, पट गई। क्या हुआ दीदी? आज मैंने उसे मंदिर वाले खंडर में बुलाया है और वहाँ से हम दोनों भाग जाएंगे। या! बकरा गया। ये मानता हूँ कि ये मानता हूँ आज की आखिर मैं थक गया। मरते थे जिस बाहर पे आई हमारे बाद। लाशा उठा, लाशा लाशा उठा तो रास्ता फूलों से भर गया। वाह भाई वाह।
आओ दादी आओ, संभल कर। नमस्ते माजी, कैसे आप? चल चल ठीक है, काम कर अपना। बैठो दादी। दादी एक बात बताओगी? क्या? दादी जब तुम जवान थी तो तुमने किसी से प्यार किया था? क्या बेहूदा बातें कर रही हो? शर्माओ मत दादी, बताओ ना तुमने किसी से प्यार किया था? तू अपनी बंद कर बकवास। दादी एक बात बताओ, क्या जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो देवदास बन जाते हैं? कल मैंने एक लड़के को देखा, ऐसा लगता था जैसे बेचारे को बहुत चोट पहुंची है। दाढ़ी बड़ी थी, शॉल पहने था बिल्कुल तुम्हारी तरह, शेरो शायरी भी कर रहा था। दादी क्या तुमने कभी शेरो शायरी की है? तू चुप कर रहना नहीं तो। लो तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? मैं झूठ नहीं बोलती दादी। अच्छा चलो मैं तुम्हें वो शेर सुनाती हूँ। हाँ, ए जिंदगी मैं तेरे लिए दूर तक गया, ये मानता हूँ आज की आखिर मैं थक गया। मरते थे जिस बहार पे आई हमारे बाद, लाशा उठा तो लाशा उठा तो रास्ता फूलों से भर गया। Excuse me, sister. Yes. वो जो लड़की वहाँ बैठी वो कौन है? वो तो डॉक्टर साहब की बेटी है नैना। Thank you. दादी, वो देखो देवदास। कहाँ? उसकी दाढ़ी भी बड़ी है ना? दादी उसने शॉल भी ओढ़ी है। और वो हमारी ही तरफ आ रहा है। नैना। हाँ? दीदी आज बड़ी गुस्से में दिखाई दे रही हो। हाँ कल मैं दादी के साथ अस्पताल गई थी, वहाँ मुझे वही देवदास मिला। क्या वही जिसके पेपर उड़ाए थे हमने? हाँ, और तुम्हें पता है कल उसने सबके सामने मेरी पप्पी भी ली। क्या? और दादी कल से मेरे पीछे पड़ी है, कौन है वो लड़का, कहाँ मिली थी तुम उससे, और ये पूछ पूछ के मेरा दिमाग खराब कर दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता दीदी, मैं तो दादी की सब डांट सुन लेती अगर उसने मेरी पप्पी ली होती। इधर आ, बढ़िया पप्पी वाली चमची कहीं मेरी पप्पी ली होती। मेरी दीदी। क्या है? देवदास। अब तू देख मजा। सबसे जहरीला और खतरनाक सांप है बाबूजी। अच्छा है, यही उसके लिए अच्छा होगा। हाँ, इसे लिफाफे में बंद कर दो। हाँ, ये लो, बंद कर दो।
अच्छा बाबूजी, इतने जहरीले सांप की आपको क्या जरूरत है? अब क्या बताऊं भैया, मेरी बीवी जो है ना जी, वो जी। लेकिन तुम्हें क्यों बताऊं? है? तुमको पैसा दिया ना, मैं उधार नहीं रखता। अच्छा, ये अपना रिकॉर्ड है और बज रहा है, समझा? अच्छा, अब मैं इसका चटनी बनाऊं या कुछ भी करूं तुम्हें क्या? अरे मजाक कर रहा था यार, मजाक कर रहा था। चलता हूँ। अच्छा, फड़फड़ा रही है नगीना। अरे देवी, दस उसको, दस ना, देख रही है, दस, दस ना उसको। अरे तू भी मेरी तरह डरती है मेरी बीवी से? हाँ? अबे साले बाहर क्यों खड़ा है? दरवाजा खुला है, चल अंदर आके लेट जा। हाय, नहीं। ओफो, तूफान चल रहा है बाहर, कहाँ सोएगा? भाई, यही सो जाऊंगा। अबे आ। कहाँ है ये श्री देवी जी? कहीं कहीं यहां तो नहीं है? चलो बहुत हो गया, सो जा। साला भी वहां के घर आता है, कुछ नहीं कर सकता। अब नीचे 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 सो। नीचे देवी तो नहीं, नहीं। अबे बैठा क्यों है, सो जा। कैसे सोऊं? अरे सो जा। ओफो क्या हुआ? श्री देवी। ओहो, ये कहां से आ गई? चल अब सो जा बेवड़े। गई गई। इसे मारने के लिए कोई दूसरा ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। Thank you.
सलाम चाचा। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ चाचा, आइए आपको अंदर तक छोड़ाऊं। ना ना बेटे, मैं खुद ही चला जाऊंगा। क्यों, मैं आपकी मस्जिद में नहीं आ सकती क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं बेटी, ये तो खुदा का घर है, यहाँ तो हर कोई आ जा सकता है, मगर हमारे यहाँ औरतें मस्जिद में नहीं जाती। ओफो माँ, फिर तो बड़ी गड़बड़ हो गई। क्यों, क्या हुआ? मुझसे गलती हो गई चाचा, और जब भी मुझसे कोई गलती होती है ना, मैं किसी ना किसी को बता देती हूँ। सोच रही थी ये गलती आपके खुदा को बताकर माफी मांग लूं। ऐसी क्या गलती हो गई तुमसे? क्या हुआ ना चाचा, कल मैंने एक लड़के को बोल दिया कि मैं उससे प्यार करती हूँ। आई लव यू। प्यार तो बड़ी मुकद्दस और अजीम चीज है बेटी, हमारे मजहब की तो बुनियाद ही प्यार पर है, इसमें गलती की क्या बात है? चाचा, मैंने उसे झूठी मूठी कहा था ना। झूठ कहा? क्यों? बस ऐसे ही। मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? बोलो ना, मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? मैं चाहती हूँ हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग चलें, हाँ? प्लीज। देखो नैना, तुम ना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी कल शाम को, ठीक है? मंदिर के पीछे खंडर में। मेरा दिल मत तोड़ना। Thank you.
दे देंगे हम सजा, इसको चखाएंगे आने का मजा, हमको न देख ले आंखों को फोड़, चल के न जा सके कानों को तोड़ दूं, मारो इसे दो बारी बारी। टूटी खिड़की मकड़ी का जंगला, जंगले के पीछे भूत बंगला, टूटी खिड़की मकड़ी का जंगला, जंगले के पीछे भूत बंगला, बंगले में कोई आया है आके हमें जगाया है, बंगले में कोई आया है आके हमें जगाया है, जाएगा बच के टूटी खिड़की मकड़ी का जंगला, जंगले के पीछे भूत बंगला। मकड़ी का जंगला, जंगले के पीछे भूत बंगला, टूटी खिड़की मकड़ी का जंगला, जंगले के पीछे भूत बंगला। टूटी खिड़की मकड़ी का जंगला, जंगले के पीछे भूत बंगला। जलाल तू, ये लो। ये क्या है? दूध। ये दूध है? नहीं, अबे लल्लू वहां रख। कहां फंस गई मैं? खाना बनाना नहीं आता, घर की सफाई नहीं कर सकता। अबे मुंह क्या देख रहा है? बीड़ी जला के दे। मेरे नसीब में ये लिखा था क्या? साला गंजा बेवड़ा, बेवकूफ शराबी, जब देखो शराब की बोतल के पीछे भागता रहता है।
अबे हाथ क्यों कांप रहा है, जल्दी कर। ओहो दे, आग लगा रहा है मुझे, है बी दे ब्लडी फूल इडियट। अब तबीयत कैसी है? पहले से ठीक हूं। तुम ठीक हो रही हो? क्यों लाइक तुम बीड़ पियो ना, ठीक हो रही है। तुम मुझे कितना प्यार करते हो? प्यार बहुत बहुत प्यार करता हूं, बहुत। अगर मैं मर जाऊं तो बहुत दुख होगा ना? नहीं। अरे बोलना। अरे तुम्हारी बीमारी इतनी मामूली सी है कि मामूली से मामूली आदमी इससे मर नहीं सकता, तो तुम कैसे मर सकती हो? हैं? फर्ज करो डार्लिंग, अगर मैं मर जाऊं तो तुम बहुत रोगे? नहीं रोऊंगा। बोलना। नहीं रोऊंगा, बहुत रोऊंगा। डार्लिंग जरा रो के दिखाओ ना कितना रोगे। डार्लिंग जरा पहले मर के दिखाओ ना। क्या? नहीं, दादी प्लीज, दादी ये सफेद फूल लो ना। देखना पहले। यानी प्लीज दादी ये सफेद ही फूल लो। ये ताजे हैं दादी, मेरी बात का यकीन करो दादी प्लीज। अच्छा है। अरे भाई इसका भाव क्या है? 5 रुपए माँ जी। हाँ दादी पीछे देखो। हाँ कौन है? दादी ये लड़का तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। है उस दिन तुम्हारे सामने ही तो मेरी पप्पी ली थी। अच्छा और जानती हो कल क्या बोल रहा था? क्या? आओ हम दोनों यहाँ से भाग चले। अच्छा सच में दादी? मैंने उससे बोला कि मैं कितने इज्जतदार खानदान की बेटी हूँ, तेरी मेरे से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? और जबकि वो अच्छी तरह जानता है कि मैं तुम्हारी पोती हूँ। हाँ, हाँ, ऐसा? हाँ तू सच बोल रही है ना? मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ। दादी तुम्हारी कसम। अच्छा तो आ मेरे साथ, मैं देखती हूँ उसे क्या समझता है अपने आप को। हाँ? मैं दिखा दूंगी उसे कि मैं कौन हूँ। देखने में तो पढ़े लिखे और अच्छे खानदान के मालूम होते हो, हैं? लेकिन ऐसी घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ मुझसे? हाँ तुमसे। हाँ क्या समझ रखा है तुमने अपने आप को? हाँ और क्या समझ रखा है तुमने मेरी पोती को? क्या हुआ माँ जी? अरे होना क्या है भाई, ये बदमाश मेरी भोली भाली मासूम पोती को बहला फुसला के भगा ले जाना चाहता है। अरे कल उसे कहता है कि चलो हम दोनों भाग चले, कहाँ ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा बोल। देखिए आप मेरी बात सुनिए, मैंने ऐसा कुछ... बाबू साहब ये पहाड़ी इलाका है। हाँ। यहाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा, समझे? लेकिन मेरी बात तो सुनिए आप। क्यों तू मेरी बात सुन, ये तेरी पहली गलती है इसलिए आज तुझे माफ किया देती हूँ, लेकिन फिर कभी मेरी पोती को आंख उठा के देखा ना तो ये तेरी शाल फांसी का फंदा बना दूंगी, यहां से जा नहीं सकेगा, समझे? चल नैना। बड़े आते हैं हीरो बनने, पहाड़ों में आए नहीं के बस हो जाते हैं शुरू। देख नैना फिर कभी इस लड़के ने तुझे छेड़ा ना तो बता देना मुझे।
अरे तुम मेरे साथ भाग जाना चाहती थी ना? क्या? अरे अरे मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? प्लीज मैंने तो मजाक किया था विकी, नीचे उतार दो ना विकी प्लीज। अगर पापा ने देख लिया ना तो बहुत मार पड़ेगी विकी प्लीज। विकी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। बैठो। विकी मैंने तो मजाक किया था, अब कभी नहीं करूंगी। विकी प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सच बोल रही हूँ। पागल कहीं का, तुम अपने आप को समझते क्या हो? भाग जाना चाहती थी ना, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अब तुम यहीं रहो, मैं चलता हूँ। अरे पागल हो गए हो क्या? जानते हो कितनी दूर है यहाँ से घर? सिर्फ 25 किलोमीटर दूर। विकी प्लीज, विकी मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। विकी रुक जाओ, विकी प्लीज, विकी प्लीज रुक जाओ। घर नहीं पहुंची। दादी और घर वाले सब परेशान हो गए। अब कहां छोड़ा है दीदी को? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं दीदी को कुछ हो ना जाए। Right now!
सुनो बाबा, आपने यहाँ किसी लड़की को देखा? आई तो थी, देखो शायद अंदर हो। तुम ठीक तो हो ना? पाँव में भी सर्दी लग रही है। कमर कमर में भी सर्दी लगती है। कर रही थी मगर अब बहुत सर्दी लग रही है। चलो शॉल वापस करो। नहीं विकी, अब सचमुच मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है। विकी प्लीज मुझे घर पहुंचा दो, मेरा सर चकरा रहा है और मुझे सांस भी नहीं ली जा रही। हर चीज की एक हद होती है नैना, बहुत हो गया ये बचपना, चुपचाप बैठी रहो। ठीक है, तुम्हें मेरी बात पर तब विश्वास आएगा जब मैं मर जाऊंगी। ना तुम्हारी दादी आ रही है, ये ड्रामा बंद करो और जल्दी से नीचे उतर जाओ। कहाँ लेकर चले गए थे मेरी बच्ची को? नैना क्या हो गया तुझे? अरे जा जल्दी जाके पापा को बुला। तुम आदमी हो या जानवर, इतनी ठंड में मेरी बच्ची को बाहर छोड़कर चले आए? तुम्हारे पास दिल है या नहीं? दादी नैना मेरी बात सुनिए, इसे कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है, सिर्फ ड्रामा कर रही है। ड्रामा करने की इसकी आदत है, लेकिन इस वक्त ये ड्रामा नहीं कर रही, ये अपनी जिंदगी को बचाने के लिए मौत के साथ लड़ रही है। नैना क्या हुआ बेटा, क्या हुआ नैना? घबराओ नहीं बेटे, घबराओ नहीं। अरे वैसे ही इसकी जिंदगी कम है, कुछ ही दिनों की मेहमान है, लेकिन लगता है इसके पहले ही तुम इसे मार दोगे। इसे ऐसी जानलेवा बीमारी है कि इसका बाप डॉक्टर होते हुए भी इसे बचा नहीं सकता। इसकी हंसी मजाक, इसकी खेल कूद सब ऊपर का दिखावा है, अंदर से ये बिल्कुल टूटी हुई है। आज अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। यहाँ से जरा संभालो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। See me after fortnight. Okay, doctor. Come in.
नमस्ते डॉक्टर, नमस्ते। बैठो। मैंने तो तुम्हें परसों आने को कहा था, आज आज मैं अपनी तबीयत के बारे में जानने नहीं आया हूं। फिर नैना को क्या हुआ है? देखिए, अपने मरीज की बीमारी के बारे में किसी दूसरे से बात करना हमारे पेशे के खिलाफ है। यह सवाल मैं एक डॉक्टर से नहीं कर रहा हूं, नैना के पिता से कर रहा हूं। आखिर क्या बीमारी है नैना को? कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, इन मेडिकल टर्म्स टेटोलॉजी ऑफ फेलो। क्या यह बीमारी जानलेवा है? कभी कभी जानलेवा हो सकती है। मतलब नैना के साथ भी? डॉक्टर साहब, क्या कोई रास्ता नहीं? क्या इस बीमारी का इलाज कहीं और नहीं हो सकता? मेरा मतलब है किसी बड़े शहर में या फिर देश के बाहर। जब हमें नैना की बीमारी का पता चला तब हम उसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ले गए थे। वहां उसका इलाज करवाया, दो ऑपरेशंस भी किए, थोड़ी सी हालत सुधरी, लेकिन उसके बाद हार्ट वॉल्व ने काम करना, ठीक तरह से काम करना बंद कर दिया। आज वह सिर्फ अपनी किस्मत के जोर पर बची हुई है। मगर यह किस्मत और कितने दिनों तक उसका साथ देगी कुछ कहा नहीं जा सकता। रोज सुबह उसकी सूरत देखकर जब मैं अस्पताल के लिए निकलता हूं तो पता नहीं होता कि जब शाम को घर लौटूंगा तब मैं उसे क्या? मैं नैना से मिल सकता हूं? हाँ, मिल लो, मिल लो। वो घर पर ही है। घर पर? यहां अस्पताल में उसका दम घुटता है विकी। वो चाहती है कि उसकी जिंदगी के बचे कुछ दिन यहां अस्पताल की घुटन के बजाय खुली फिजा में आजादी की सांस लेकर गुजारे। आज मैं खाना बना रही हूँ, मेरे हाथ का बना खाना खाओगे? नहीं। क्या तुम्हें पता है कंजेंटल हार्ट का मतलब क्या होता है? ये बीमारी पैदाइशी होती है और उम्र के साथ बढ़ती जाती है, और दिल दो हिस्सों में बंटा रहता है, एक हिस्से में साफ खून और दूसरे हिस्से में गंदा खून रहता है। मेट्रल वॉल और आर्टिक वॉल्स में नुक्स होने की वजह से दिल में एक सुराख हो जाता है, जिसकी वजह से साफ खून और गंदा खून आपस में मिल जाता है। दिल पूरी तरह खून को साफ नहीं कर पाता, इसलिए दूसरे हिस्सों में खून नहीं पहुंचा पाता। अब तुम ही कहो, ऐसी हालत में कोई आदमी कैसे जिंदा रह सकता है? बस इतनी सी कहानी और कहानी खत्म। ये सब जानते हुए भी तुम इस तरह रहती हो? कैसे? देखो, एक दिन तुम भी मरने वाले हो। हाँ, ये शीतल भी मरेगी, और ये जो पिंकी है ना, ये भी मर जाएगी, और ये जो दांत दिखा कर हंसती है ना टुक टुक, ये भी मर जाएगी, और ये जो पेड़ पौधे है ना, ये भी मरने वाले हैं। सो मैं भी मर जाऊंगी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं दो दिन पहले मरने वाली हूँ। अब तुम खुद ही सोचो कि जिसके पास वक्त कम हो उसे तो जिंदगी और भी जीनी चाहिए ना। और फिर कल किसने देखा है? कल के बारे में क्यों फिक्र करें? जो कुछ है वो आज है, जो आज जी गया वो सारी जिंदगी जी गया। इसलिए मैं तो इसी तरह जीती हूँ। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम यहाँ बैठो, खाओ पियो, मौज करो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम जा सकते हो। टुक टुक, इन्हें दरवाजा दिखाओ। Thank you.
और फिर कल किसने देखा है? कल के बारे में क्यों फिक्र करें? जो कुछ है वो आज है, जो आज जी गया वो सारी जिंदगी जी गया, इसलिए मैं तो इसी तरह जीती हूँ। दीदी को। ए, क्या है ये? ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है मेरी तरफ? क्या है तेरे दिल में? बोलोगे नहीं कुछ? जबान नहीं है क्या मुंह में? मुझे ऐसे ही देख रहे हो या इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे ये सब पसंद नहीं है, समझे? अगर तुम कुछ कहना ही चाहते हो तो साफ साफ कहो, वरना यहाँ से चलते बनो, समझे? हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग जाए। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, कल शाम को 5 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा लेक के पास। मैं नहीं आऊंगी। मेरा दिल मत तोड़ना। मैं नहीं आने वाली। तुम्हें आना पड़ेगा। अपना वक्त बर्बाद करोगे, मैं नहीं आऊंगी। मैं फिर इंतजार करूंगा 5 बजे। तुम्हें आना पड़ेगा। मैं नहीं आने वाली। कल शाम 5 बजे। माय फुट अपने आप को बड़ा ग्रेट समझता है, सारी ग्रेटनेस निकल जाएगी क्योंकि कल मैं नहीं आने वाली, नहीं आने वाली, नहीं आने वाली। चल चमजी। डिंग डोंग डिंग, 1 2 3 4 5 5। ए, तेरी सुई 5 पे क्यों अटक गई? ऐसे ही टाइम कितना हुआ है? 4 4 मतलब 5 बजने में 1 ही घंटा बचा है। तुझे क्यों फिक्र हो रही है, कहीं जाना है क्या? मुझे नहीं, किसी को किसी से मिलने जाना है, मगर जिसे जाना है उसे तो कोई फिक्र ही नहीं हो रही। कौन है, कौन है? किसे मिलने जाना है, किसे मिलने जाना है? किसे जाना है उसके कानों तक तो पहुंचा दो कि किसे जाना है। 4 बज गए। 1 2 3 4 5 5 5 5। चंची कही थी अभी तुझे बताती हूँ किसको मिलने जाना है, अभी तेरा 1 2 3 बजाती हूँ। मर यहाँ पर। तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आओगी और मैं आपका वक्त बर्बाद ना करूं, फिर क्यों चली आई, वो भी वक्त पर? क्या बात है। इतना मजबूर तुम्हें किसने किया? मैंने ना। मैं तुम्हें अच्छा लगता हूं? ए, सच बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूं ना? मैं तुम्हें पसंद हूं ये तो मुझे मालूम हो ही गया है, मगर कितना पसंद हूं ये तुम ही बता दो। बताओ ना, बताओ। Thank you.
ए, क्या हुआ? वो जो अपना देवदास था ना, मैंने उसे पानी में धक्का दे दिया। क्या? अब क्या होगा उसका? अब तक तो उसका काम भी हो चुका होगा। तुम भी सच सच बोलो, बताओ मैं तुम्हें पसंद हूं? मैं नहीं बताऊंगी। सोच लो, वरना मैं भगवान से पूछूंगा। पूछो पूछो पूछो। भगवान! ये क्या कर रहे हो? भगवान से बात कर रहा हूं। पागल हो गए हो क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। चुप रहो ना प्लीज। क्यों चुप रहो? भगवान! कि मैं तुम्हारे पैर जोड़ती हूँ, हाथ पड़ती हूँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, प्लीज चुप हो जाओ। तो फिर बोलो, मैं तुम्हें पसंद हूँ? अच्छा चलो ठीक है, पसंद हो बोलो। आई लव यू। तुम्हें सूरत देखिए कभी? अच्छा बाबा, आई लव यू। I love you too. दादी दादी एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। I love you का मतलब क्या होता है? क्या? बहुत सही आदमी से सवाल किया है तूने टुक टुक। दादी बताओ उसे I love you का मतलब क्या होता है, वरना उसके दिल में बात रह जाएगी। तू चुप कर, बकवास मत कर। दादी दादी बता दो ना। बता दो ना दादी, अगर तुम नहीं बताओगी तो ये पापा से पूछेगी। तू पहले ये बता कि तुझे ये सब कौन सिखा रहा है? दादी दादी प्लीज बता दो ना। टुक टुक, छोड़ना नहीं दादी को, दादी को सब पता है। दादी दादी अगर कोई लड़की लड़के से आई लव यू कहे तो बुरी बात होती है क्या? तू बस कर। नहीं नहीं टुक टुक, छोड़ना मत दादी को। दादी हाँ? कल एक लड़की ने लड़के से आई लव यू कहा चर्च में। कौन थी वो लड़की? कौन है बताना टुक टुक, बताना। हम लोगों की जान पहचान की है। दादी उस लड़की का नाम बड़ा प्यारा है, वो लड़की हमारी। ये क्या कर रही है? ठंडा ठंडा ठंडा। बड़ा हूँ मैं भी, अपनी बीवी से बहुत दुखी हूँ। तुम भी? हाँ मैं भी। अबे चुप! अबे उसकी गालियां, उसके जूते, उसके झाड़ू की मार बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबे तू औरत से डर गया? अबे बुड्ढे, तूने उस चुड़ैल का भयानक रूप तो देखा ही नहीं। मैंने उसे मारने के लिए क्या क्या नहीं किया। दूध की ग्लास में जहर डाला, लेकिन पीने से पहले ग्लास गिरकर टूटकर ओ, फिर एक भयानक सा कुत्ता लेकर आया ये सोचकर कि उसे काट खाएगा, लेकिन उसे काटने के बजाय उसने मुझे काट लिया। एक जहरीला सांप मैंने उसके कमरे में डाल दिया, लेकिन उसने उसने उस जहरीले सांप को कचरे की तरह उठाया और कमरे के बाहर फेंक दिया। ऐसी चुड़ैल है वो। तूने कभी बंदूक देखी है?
बंदूक। अबे तेरी बहुत जोर से हिल रही बंदूक, पकड़ उसे, पकड़ ले। पकड़ लिया बड़ू, पकड़ लिया। पकड़ लिया ना? हाँ। अब बताओ बेटा तुम्हें क्या नजर आ रहा है? जमीन नजर आ रही है बड़ू, जमीन के ऊपर पेड़, और पेड़ के ऊपर आसमान, आसमान के ऊपर पृथ्वी। अबे उल्लू के पट्टे, तुझे बोतल नजर नहीं आ रही जिसे मारना है, बाकी जमीन और आसमान की सारी चीजें नजर आ रही हैं। गधे! अरे पकड़ो पकड़ो मेरे गधे को, मार डाला रे, पकड़ो, अरे भागी ना पाए, पकड़ो, पकड़ो। लगता है गलती से गधे की, गधे की वही चोट लगी है। अरे भागो वरना इतने जूते पड़ेंगे कि सूरत नहीं पहचानी जाएगी। आपका फोन है। आ रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं, कोई शैतानी नहीं। हाय। तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज जाओ यहां से। मैं जाऊंगा, मगर पहले ये बताओ तुम मुझसे शादी तो करोगी ना? क्या? अरे प्यार किया तो शादी तो करनी पड़ेगी। प्लीज पापा आ जाएंगे। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। जब तक तुम जवाब नहीं दोगी मैं नहीं जाने वाला यहाँ से। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम जैसे आदमी को मैंने क्यों मुंह लगा लिया। देखो अगर पापा ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मुझे जान से मार डालेंगे। फिर जल्दी से जवाब दो ना प्लीज। Oh my God, please जाओ ना, पापा आ रहे हैं। पहले जवाब दो ना। विक्की तुम्हें मेरी कसम, जाओ ना। नहीं ना, तुम्हें मेरी कसम, जवाब दो ना। ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगी, अब तो जाओ। Thank you, bye. राम, इस घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता। चार चार लड़कियां, न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। बस सुबह से शाम तक इसको निलाओ, इसको खिलाओ, और ये टुक टुक। मैं देखती हूँ। हेलो, कौन है? नैना घर पर है? दीदी तुम्हारा फोन है। मीरा? कौन है, क्या चाहिए उसे? कुछ खास नहीं, वैसे नैना ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कही है। बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि वो मुझसे शादी कब और कहाँ करेंगी, आप जरा पूछकर बताएंगी? दीदी तुमने किसी लड़के से शादी करने के लिए कहा था ना, वो पूछ रहा है कब और कहाँ करोगी। शादी करोगी या चो?
उल्टी सीधी हरकतें करते रहोगे और मैं बर्दाश्त करती रहूंगी? देखो मजाक की भी एक हद होती है। उस दिन तुमने चर्च में सबके सामने हंगामा खड़ा कर दिया, जबरदस्ती मुझसे आई लव यू बुलवाया, फिर मार्केट में दादी के सामने फंसा दिया, और फिर तुमने हॉस्पिटल में आकर नाटक खड़ा कर दिया, और आज मेरे घर पर फोन करके पूछते हो कि मैं शादी कब करूंगी। हाँ तुम अपने आप को समझते क्या हो? आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? आज फैसला हो ही जाना चाहिए। बोलो बोलो जल्दी। I love you. जो कुछ भी मुझसे कहा था क्या वो सच है? सबसे बड़ा सच। I love you. क्यों? पता नहीं, अगर ये सच है मैं तुमसे प्यार करता हूं नैना, बहुत प्यार। जब भी तुमको देखता हूं ना तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ये सुनो, मालूम नहीं विक्की, मगर जिंदगी में पहली बार मुझे भी ऐसा हुआ है। सुनो, Thank you.
इसलिए इसलिए ओ तुझे रब ने बनाया किस लिए किस लिए किसलिए किसलिए कुछ सोचा है, बस दुआ करो कि
भगवान उसे पूरी कर दे। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। क्या है कि तुम जब मेरे पास होती हो ना, तारे सुल्फे है खुली, तुम्हारा आंचल है ढला, और ये सर है वहां। क्या है कि और जरूर कोई गड़बड़ है। नहीं कोई गड़बड़ है। कुछ नहीं, कुछ अरे कुछ देखा? हाँ किधर? उधर। हे भगवान, आज कुछ करवा ही देना, या तो मेरी बीवी को खत्म करवा देना, या उसके हाथों से मेरे बुढ़ाओं को। दोनों सूरतों में मुझे दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा तो अब मैं समझी, तुम दोनों मुझे मारना चाहते हो। अच्छा तो अब मैं बेटी बन गई। बेटी तुम शिकारी का शिकार हो, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ बेटी। अबे चुप उठे बेटी फूल, हट वहाँ से, जाल हट। डाली चला चला तुम चलाओ। कोमल, आखिर ये सब हुआ कैसे? मैं क्या बताऊं दीदी, मेरे साथ घर की सफाई कर रहे थे, शायद झूमर की रस्सी कमजोर हो गई थी, इन पर गिर पड़ा और बस। रो मत कोमल, शिकारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है कुछ ही दिनों की बात है। अच्छा मैं चलती हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना बेटा। जी अच्छा। अच्छा शिकारी जी, नमस्ते। कोमल तुम कितनी महान हो, मैं कितना मूर्ख था कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। आई लव यू। लेटे रहो लेटे रहो, मैं तुम्हारे पास आती हूँ। मेरा प्यारा सब ब्यौड़ा, चाह रहा था तुम्हारे पास बैठूं। तुम्हारी गोद में सो जाऊं? ये गुड़िया तुम्हारे लिए? मेरे लिए? सच?
I love you. विकी, हाँ? तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत, जितना के अपने आप से भी नहीं करता हूं। तो फिर मुझे अपनी बाहों में ले लो ना। कसके? अच्छा बाबा, कसके पकड़ता हूं बस। बहुत रात हो चुकी है, तुम्हारे घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे और ठंड भी बहुत लग रही है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। डॉक्टर साहब, मैं और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं खुश हूं। मैं खुश इसलिए हूं कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद इस तरह मैं आपको खुश देख रहा हूं। पहले मैं वजह नहीं जानता था, आज जान गया हूं। मगर बेटे, तुम तो नैना की हालत के बारे में जानते ही हो। जी, बहुत अच्छी तरह से। फिर भी उससे प्यार करते हो? जी। क्या नैना तुम्हारे बारे में जानती है? जी नहीं, और मैं चाहता हूं उसे इस बारे में कभी कुछ पता ना चले। और अगर किसी ने उसे बता दिया तो? इसके बारे में मेरे अलावा सिर्फ आप जानते हैं, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। एक डॉक्टर होने के नाते आप अपने मरीज की बीमारी का जिक्र किसी और से नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक बात और कहनी है। कहो। मैं नैना से शादी करना चाहता हूं। पापा,
कौन? मैं हूँ पापा, नैना। क्या बात है बेटे, अभी तक सोई नहीं? नींद ही नहीं आ रही है पापा। पापा आज आपके पास हूँ। बेटे तुम रो रही हो? पापा आज बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, ऐसे सपने जैसे कि मैं मर रही हूं। पापा हाँ बेटे, मैं आज तक मौत से नहीं डरती थी पापा, पर आज आज मैं जीना चाहती हूँ। आप तो इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप भी मुझे नहीं बचा सकते क्या? प्लीज पापा मुझे मरने मत देना, प्लीज पापा। पैदा होता है उसे मरना होता है क्या? मैं मरना नहीं चाहती विकी, मैं जीना चाहती हूं तुम्हारे लिए।
मैं तुम्हारी बाहों में हूँ, मुझे अपने अंदर छुपा लो विकी, ताकि मौत मुझे न देख सके। पता नहीं, मगर जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे लगता है तुम मुझे बचा लोगे, मुझे बचा लोगे ना विकी। हाँ नैना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सकी, मैंने बहुत कोशिश की मगर मुझसे नहीं रह गया। तेरी जुदाई अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं वादा करती हूं तुझे परेशान नहीं करूंगी, तू जैसा कहेगा वैसा ही करूंगी, रोऊंगी भी नहीं, मगर अब मैं तुझसे दूर नहीं रह सकती। तू नाराज हो चाहे गुस्सा कर या मुझे डांट, मगर अब मैं तुझसे दूर नहीं रह सकती। माँ, तुझे देखकर मैं कितना खुश हूं यह मैं लफ्जों में जाहिर नहीं कर सकता। माँ मैं बहुत खुश हूं। माँ इंतजार कर रही हूँ, मिलना नहीं है क्या? अभी तक फोन क्यों नहीं किया, कोई खबर क्यों नहीं दी? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? माँ, तुम्हारा फोन। मेरा फोन? हाँ। शायद तुम्हारे डैडी का होगा। हेलो, क्या समझते हो तुम, सिर्फ प्यार करने से सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, बाकी चीजों का ख्याल कौन रखेगा? हेलो, कौन सा नंबर चाहिए आपको? तुम्हारा ही नंबर चाहिए। ज्यादा होशियार मत बनो, आवाज बदल कर मुझे बेवकूफ बना लोगे। सुनो, तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम यहाँ जल्दी से आकर मुझे अपनी बाहों में जकड़ लो, समझे? किससे बात करनी है आपको? बस बस, अभी ये बहुत हो गया, और ये औरतों की आवाज में बात करना बंद करो। वैसे भी बहुत मुश्किल से दादी को अकेले बाजार भेजा है, और पापा भी हॉस्पिटल में है। अब वक्त बर्बाद मत करो और जल्दी से आकर मेरी पप्पी लो ना। देखिए, मुझे लगता है आप बकवास बंद करो और आकर मेरी पप्पी लो। सुनिए विकी, पप्पी। हेलो, मैं विकी की माँ बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब घर पर नहीं है? मैं तुम्हें से मिलने आई हूँ। मुझसे? तुमने ही तो फोन पर कहा था कि आकर पप्पी लो। हाँ, विकी की मम्मी, आइए आइए आइए। टुक टुक, तू इन्हें बगीचा दिखा, मैं भी आती हूँ। माँ जी, मैं अभी अभी आई। आप विकी की माँ हैं, है ना? हाँ। मुझे विकी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप चाय पियेंगे या कॉफी, या ठंडा लाऊं आपके लिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे थोड़ी चलता है, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा आपको। मैं अब भी आती हूँ।
मुझे मालूम नहीं था कि फोन पर आप हैं। न जाने क्या उल्टा सीधा बोल गए। सॉरी। एक मुद्दत के बाद मैंने अपने बेटे को खुश देखा है। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इस जन्म में मेरी आंखें उसे फिर कभी खुश देख पाएंगी। या नहीं, तुम नहीं जानती बेटी आज मैं कितनी खुश हूं। विक्की से तुम प्यार करती हो, उसकी हालत जानने के बावजूद? बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, वरना ऐसी हालत में कोई भी इंसान तुम जैसा खुश नहीं रह सकता। क्या हुआ है विकी को? तुम नहीं जानती? तुम एक डॉक्टर की बेटी हो ना, इसलिए शायद। इतनी बड़ी बात को कितनी आसानी से झेल लिया तुमने। क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ बेटी। मुझे जब उसके बारे में पहली बार पता चला था ना, मैं तो बिल्कुल ही टूट गई थी। विकी ठीक तो है? मुझे तसल्ली मत दे बेटी, मैं अभी तेरे पिताजी से मिलकर आ रही हूँ। विक्की इलाज तो करवा रहा है उनसे, मगर मैं जानती हूँ अब वो जिंदगी की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा है। ये जानने के बावजूद कि उसकी जिंदगी अब उसे ज्यादा दिन मोहलत नहीं दे सकती, तुम उसके साथ इतने खुश कैसे हो बेटी? और वो भी कितना खुश रहने लगा है मैं समझ नहीं पा रही। इतने कम वक्त में बेटी तुमने उसे कैसे बदल दिया? यहां आने से पहले मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था, मगर यहां आने के बाद, तुमसे मिलने के बाद दिल को अजीब सी तसल्ली मिली है। अब मैं चैन की सांस लेकर वापस जा रही हूं। मेलोटिक लुकीमिया है ना विकी को? एडवांस स्टेज पे है ना वो? उसकी हालत मुझसे भी ज्यादा बुरी है ना पापा? यानी कि वो मुझसे पहले
आज तक ये बात? क्यों रखा मुझे आज तक अंधेरे में? बोलो, जवाब दो। तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? किसी ने भी बताया हो, लेकिन तुमने मुझसे आज तक ये बात क्यों छुपाई? बोलो, जवाब दो। सभी को एक ना एक दिन मरना है नैना। वो जो स्टेशन मास्टर खड़ा था ना, वो भी एक दिन मर जाएगा। वो जो कुली यहाँ घूम रहे थे ना, वो भी एक दिन मर जाएंगे। ये सारे पेड़ पौधे भी एक दिन मर जाएंगे। उन पर बैठे हुए सारे पंछी भी मर जाएंगे। और वो अभी भी मेरी माँ जो यहाँ से गई है ना, वो भी एक दिन मर जाएगी। सो मैं भी मर जाऊंगा। तुम्हें तो कहा था बस आज के बाद हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। नैना, ये क्या कह रही हो तुम? मैं कह रही हूँ कि आज के बाद हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। क्यों, क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि तुम कोई स्टेशन मास्टर नहीं हो, ना ही कोई खुली हो, ना ही कोई पेड़ पौधा या पंछी हो, जिनके होने या न होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम विक्की, प्लीज, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कभी सपने ही नहीं सोच सकती कि कल तुम, प्लीज विक्की, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी फिक्र में मैं हर लम्हा घुट घुट कर मरती रहूंगी। अपनी मौत का हमेशा मजाक उड़ाया है तुमने। अपनी मौत को तुम हंसकर गले लगा सकती हो, लेकिन वही मौत जब मेरी तरफ आ रही है तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैंने जिंदगी में एक ही दुआ मांगी है, तुम्हारी लंबी उम्र की दुआ। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मेरी नजरों में अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। प्लीज विकी, चले जाओ। समझने की कोशिश करो नैना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। प्लीज विकी, मेरी जिंदगी से चले जाओ। तुम जहां भी रहोगे, जहां भी जाओगे, मैं ही समझूंगी तुम खुश हो, जिंदा हो। मेरी मौत आसान हो जाएगी विकी, मैं सुकून से मर सकूंगी। नहीं नैना, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हारी आंखों के सामने ही रहूंगा। जो कुछ भी होना होगा यही होगा, तुम्हारे ही सामने, समझी? तो फिर सुनो क्या होगा, तुम मेरी मौत का कारण बनोगे। नैना, तुम मुझे मेरी मौत आने से पहले ही मार डालोगे। नैना, मुझे मेरी मौत से पहले मत मारो विकी, प्लीज चले जाओ यहाँ से। प्लीज विकी, तुम्हें मेरी कसम। आप जल्दी अस्पताल फोन करना और कहना कि हम नैना को लेकर आ रहे हैं। हॉस्पिटल में भर्ती किया है,
कल पूरी रात दर्द से तड़प रही थी वो। नैना कैसी है? अब कैसी है वो? डॉक्टर साहब, नैना ठीक तो है ना? मुझे लगता है एक और ऑपरेशन करना होगा, लेकिन मुझे पता नहीं वो सह पाएगी या नहीं। नहीं, मैं नैना को... नैना तुमसे मिलना नहीं चाहती। मुझे पता नहीं तुम दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन वो अब तुमसे मिलना नहीं चाहती। कहीं ये वजह उसकी मौत का कारण न बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नैना से खुद... मुझे मजबूर मत करो। And don't misunderstand me. Don't misunderstand. Please. अरे नंदी सी जान, तुमने ऐसा क्या कहा मेरी बच्ची से कि एक ही दिन में वो मुरझाए हुए फूल जैसी हो गई? नहीं दादी, नहीं नहीं दादी, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम चले जाओ यहां से। वो जिस हाल में है उसे रहने दो। भगवान के लिए उसे मिलने की कोशिश ना करना। प्लीज हमारी दीदी को बचा लीजिए। हमें हमारी दीदी चाहिए प्लीज। दादी, टुक टुक, कल मैं यहां से हमेशा के लिए जा रहा हूं। जाने से पहले नैना को सिर्फ एक बार देखना चाहता हूं। नैना कहाँ है? टुक टुक, से दुआ मांगूं तेरे लिए सारी उम्र जागूं, मैं तो यही रब से दुआ मांगूं। नाम तेरे लिख दे मेरी बाकी जिंदगी, नाम तेरे लिख दे मेरी बाकी जिंदगी। से दुआ मांगूं, नाम तेरे लिख दे मेरी बाकी जिंदगी, नाम तेरे लिख दे मेरी बाकी जिंदगी। नैना ओ मेरी नैना, नैना ओ मेरी नैना। दर्द के जहर सभी हंस के पी गया, देखा जो तुझे तम
मर के जी गया, दर्द के सहर सभी हंस के पी गया, देखा जो तुझे तो मैं मर के जी गया, जुल्फ को सवार दूं रूप को निखार दूं, गम तेरे मैं लेके तुझे दे दूं हर खुशी, तेरे लिए सारी उम्र जागूं, मैं तो यही रब से दुआ मांगू, नाम तेरे लिख दे मेरी बाकी जिंदगी, नाम तेरे लिख दे मेरी बाकी जिंदगी, नैना ओ मेरी नैना, नैना ओ मेरी नैना। तेरे लिए साथ जीने मरने के वादे हम किए, मैं यहाँ पे आया हूँ बस तेरे लिए, साथ जीने मरने के वादे हम किए, होंगे कैसे हम जुदा जानता है वो खुदा, उसकी नहीं मैंने की है तेरी बंदगी, तेरे लिए सारी उम्र जागू, मैं तो यही रब से दुआ मांगू, नाम तेरे लिख दे मेरी बाकी जिंदगी, नाम तेरे लिख दे मेरी बाकी जिंदगी, नैना ओ मेरी नैना, नैना ओ मेरी नैना। नैना ओ मेरी नैना। अब कैसी है नैना, वो ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बोल बेटे, उसे कुछ होगा तो नहीं ना? बोलो ना पापा, दीदी ठीक हो जाएगी ना? बोलिए ना पापा, तू बोलता क्यों नहीं? देखो माँ, मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी की है, लेकिन इस वक्त मैं कुछ कह नहीं सकता। ऑपरेशन करते वक्त उसके दिल की धड़कन अचानक बंद हो गई थी। हाँ? नहीं नहीं, मैंने पेसमेकर इंसर्ट कर दिया है, लेकिन अब देखना है कि वो उसे बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं। हम उसे देख सकते? नहीं माँ। हाँ? नहीं, अभी वो कोमा में है। दीदी कोमा से कब वापस आएगी पापा? नहीं बेटे, कुछ कह नहीं सकता, कुछ बता नहीं सकता। दादी, दादी, क्या हुआ विक्की, तुम अचानक वापिस क्यों जा रहे हो? तुम और नैना तो बहुत खुश थे यहाँ, फिर वापस क्यों जा रहे हो? बोलो विक्की।
अब कैसी हो बेटी? विकी, कहाँ है पापा? मुझे विकी के पास ले चलो। कितनी दूर है पापा? हम नहीं जानते ये कब तक जिएंगे, लेकिन जब तक जिए जिंदगी को जीकर जिए, प्यार मोहब्बत के साथ जिए, ऐसे कहने बरसों तक याद रखे कि दुनिया तेरे लिए सारी उम्र जागूं, मैं तो यही रब से दुआ मांगूं, नाम तेरे लिख दे मेरी बाकी जिंदगी, नैना ओ मेरी नैना, नैना ओ मेरी नैना।